टू अ चैनल। तो मेरा नाम संगम मिश्रा है और आज इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसआरएम के दो कैंपसेस के बारे में। और ये दो कैंपसेस एसआरएम रमापुरम और एसआरएम विदई पिलानी है। तो बहुत बच्चों का ये डाउट होता है कि भैया मैं एसआरएम जेई दे चुका हूँ, मुझे मेन कैंपस एसआरएम केटीआर नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं एसआरएम विदई पिलानी चूज करूँ या एसआरएम रमापुरम चूज करूँ? तो यार ये वीडियो उसी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे इन कॉलेजेस की, कि आप यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ की प्लेसमेंट कैसी है, और जो सच में प्लेसमेंट बताई जा रही है वैसी है कि नहीं है, और यार सीन कैसा है। तो मेन डिसीजन पे आने से पहले कुछ बेसिक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो एसआरएम का जो रामापुरम वाला कैंपस है वो 2007 में स्टैब्लिश हुआ था और वो टोटल एरिया 27 एकर्स का है। और वहीं एसआरएम विदई पिलानी का जो कैंपस है वो उससे थोड़ा लेट 2011 में स्टैब्लिश हुआ था और वो टोटल एरिया 6 एकर्स का है। तो अगर तुम्हें जानना है कि इन दोनों कॉलेजेस की फैकल्टी कहाँ की है, तो मैं बता दूं कि एसआरएम विदई पिलानी की जो फैकल्टी है वो 100% साउथ की है। वहीं अगर तुम रामापुरम में आओगे तो 90% फैकल्टी जो है वो साउथ की है और जो 10% फैकल्टी है वो नॉर्थ की है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ आओगे और तुम्हारे सारे क्लास में साउथ के होंगे, तो यार ऐसा नहीं है। एसआरएम रामापुरम में बच्चों का रेशियो 60-40 है, तो मतलब 60% जो बच्चे हैं वो साउथ के हैं और बाकी बचे 40% वो नॉर्थ के हैं। और यही रेशियो विदई पिलानी में 70-30 का है। तो यार अगर बात करें एडमिशन की, तो इन दोनों के एडमिशन का प्रोसेस जो है वो सेम है। तुम्हें अपने 12th में 50% से ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे PCM में, और एक एसआरएम का एग्जाम होता है एसआरएम जेई, वो क्लियर करना पड़ेगा, तो इन दोनों कैंपस के लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे। तो यार अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिवाइडेड है। अगर तुम CSE लेते हो इन दोनों ही कैंपसेस में, तो तुम्हें 2.5 लाख पर साल देनी पड़ेगी एज अ ट्यूशन फीस। और अगर तुम कोर ब्रांचेस लेते हो, सिविल मैकेनिकल या ऐसी कुछ ब्रांच लेते हो, तुम्हें 2 लाख पर एनम देने पड़ेंगे एज अ ट्यूशन फीस। तो अगर ट्यूशन फीस की बात करो तो हाँ यार कैंपस के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा है। अगर तुम मेन कैंपस चूज कर रहे हो तब भी तुम सोच सकते हो 2.5 लाख देने का, लेकिन इन कैंपसेस के लिए ये फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो यार इन दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है। जहाँ एसआरएम रामापुरम का इंफ्रास्ट्रक्चर 27 एकर्स में है और काफ़ी अच्छी लैब्स और लाइब्रेरी है, वहीं विदई पिलानी जो है वो छोटा कैंपस है और यार उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो अब हॉस्टल्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने काफ़ी बच्चों को कॉन्टैक्ट किया इन दोनों ही कैंपसेस से और उनके हॉस्टल्स के बारे में पूछा, तो मुझे मिला कि एसआरएम रमापुरम का जो कैंपस का हॉस्टल है वो काफ़ी अच्छा है, मेस फूड काफ़ी सही है, लेकिन इशू जो है वो विदई पिलानी कैंपसेस के हॉस्टल्स का है। यहाँ यार कैंपस के हॉस्टल की हालत इतनी सही नहीं है और ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं बाहर रहना। तो अगर तुम्हें बाहर ही रहना है और तुम इस कॉलेज की फीस दे रहे हो 2.5 लाख एक साल की, और यार मतलब वो 2.5 लाख 4 साल में 10 लाख हो जाएंगे, और तुम ऊपर से और पैसा दे के बाहर रह रहे हो, तो यार ये वर्थ इट नहीं लगता है मुझे। तो यार अब इन चीज़ों को साइड में रखते हैं और बात करते हैं प्लेसमेंट की, कि भैया पैसा कितना मिलेगा। तो अगर तुम विदई पिलानी की ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि एक बच्चा पिछले साल 41.9 लाख के CTC पे माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस हुआ था। तो मैं तुमको बता दूं यार वो बच्चा विदई पिलानी का था ही नहीं, वो एक्चुअली एसआरएम के मेन कैंपस का था, जो कि KTR कहते हैं जिस कैंपस को, वो वहाँ का बच्चा था और इन्होंने अपनी साइट पे उसे मेंशन किया है। तो अगर स्पेसिफिकली इन दोनों कॉलेजेस की प्लेसमेंट की बात की जाए, तो हमारे एसआरएम रामापुरम का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो है 4 लाख पर एनम, और वहाँ का हाइएस्ट पिछले साल का पैकेज गया था 28 लाख पर एनम। और यार एसआरएम विदई पिलानी का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो है 3 लाख पर एनम, और जो वहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट था पिछले साल का वो है 20 लाख पर एनम। और अगर प्लेसमेंट परसेंट की बात हो तो इन दोनों का ही प्लेसमेंट परसेंट डिसेंट सा है, जिसमें रामापुरम में पिछले साल 80% बच्चे जो है वो प्लेस हो गए थे और विदई पिलानी में 70% बच्चे प्लेस हो गए थे। अगर अब इम्पॉर्टेंट कोर्सेज की बात कर लेते हैं, तो इन दोनों ही कैंपस में ऐसा नहीं है यार कि अगर तुम कोर ब्रांच सिविल या मैकेनिकल लेके जा रहे हो तो तुम 10 लाख की प्लेसमेंट फोर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों कैंपसेस का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यार CS की ही फील्ड है। तो अगर तुम CS में हो, IT में हो या EC में हो, तो तुम्हारे कुछ चांसेस बनते हैं। तो अगर तुम इन दोनों ही कैंपसेस में आ गए हो कंप्यूटर साइंस की फील्ड लेके, तो यार तुम्हारी जर्नी वहीं एंड नहीं होती है। अब तुम्हें अपने क्लास की क्रीम लेयर में आना पड़ेगा। अब जब मैं क्रीम लेयर बोलता हूँ तो मैं उन 4-5% बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अपने क्लास के टॉपर होते हैं। तो अगर तुम उन 4-5% बच्चों में आ गए
तो तुम अच्छा पैकेज फोड़ सकते हो। तो यार अब तुम पूछोगे कि SIM के इन दोनों कैंपसेस के प्लेसमेंट इतने कम क्यों हैं, जबकि अगर तुम मेन साइट पे जाओगे तो वहाँ दिखाएगी टॉप रिक्रूटर्स जैसे कि Amazon, JP Morgan और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज इन कैंपसेस में विजिट करती हैं बच्चों को हायर करने के लिए। तो प्रॉब्लम ये है यार मेन, कि यहाँ की जो स्टूडेंट क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि एक बड़ी कंपनी आ रही है Amazon, तो यार Amazon आ रही है अगर 20 बच्चों को हायर करने इस कॉलेज में, तो 4 से 5 ही बंदों को उठा के ले जाएगी जो कि वो समझेगी कि एलिजिबल है Amazon में काम करने के लिए। तो यार रियलिटी यहाँ यही है कि यहाँ बच्चे एफर्ट मार ही नहीं रहे। तो अगर तुम फाइनली पूछो कि इन दोनों कैंपसेस में कौन सा कैंपस ज़्यादा अच्छा है, तो यार रमापुरम कैंपस जो है वो विदेह पिलानी से काफ़ी अच्छा है। तो अगर तुम्हें SRM JEE देने के बाद मेन कैंपस नहीं मिल रहा है, तो यार तुम SRM रमापुरम जाना कंसिडर करो, नहीं तो कुछ और कॉलेजेस देखो SRM विदेह पिलानी में आने से पहले।